अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। तो आज संडे है, आज हम बना रहे हैं बीफ कोरमा। इसके लिए हमने ये बीफ ले लिया है, कोरमा मसाला ले लिया है, लहसुन अदरक, दही और प्याज। चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। चूल्हा जलाएंगे, ऑयल डाल दिया है हमने, उसमें प्याज डालेंगे और लाइट ब्राउन करेंगे, अच्छा सा कलर देंगे लाइट ब्राउन। हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो रही है, तो चले हम आपसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। अगर आपको रोज़ाना मुश्किल होती है कि भाई आज क्या बनाएं, तो आप हमारे चैनल पे आएँ अंजवा बीहा व्लॉग। आप यहाँ आके आपकी मुश्किल आसान हो सकती है कि आज हम क्या पकाएं। आप हमें सपोर्ट करें। चले आज ब्राउन हो रही है, मैं रोज़ाना वो बनाती हूँ जो आम घरों में रोज़ाना की रूटीन में बनता है। सब्ज़ी भी बनती है, दाल भी बनता है, गोश्त भी बनता है। अगर आप परेशान होते हैं कि आज हम क्या बनाएं सोच रहे होते हैं, आप हमारे चैनल पे आएं और देखें, तो वहाँ से आप गेस कर सकते हैं कि आज आप क्या बनाएं। ये देखें, प्याज लाइट ब्राउन होना शुरू हो गई है। चलें फिर इसे निकालते हैं। ये देखें, प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसको क्रिस्पी कर लेंगे। ये कलर आना चाहिए, फिर कोरमे का कलर अच्छा लगता है। चलें अब हम ऑयल में गोश्त डालेंगे। गोश्त डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हड्डी वाला गोश्त लिया है हमने बीफ का। इसको हम ऑयल में भूनते हैं। देखें गोश्त ने अपना कलर चेंज कर लिया, अब हम लहसुन अदरक डाल के भूनेंगे इसे। प्याज क्रिस्पी हो चुकी है, अब हम दही और प्याज को ग्लैंड कर लेंगे, और ग्लैंड ऐसे करेंगे कि हम बहुत बारीक नहीं करेंगे, इसको दरदरा सा रखेंगे, फिर इस तरह दानेदार कोरमा बनता है। चलें फिर हम इसको ग्लैंड करते हैं। प्याज डालेंगे, दही डाल देंगे, ये देखिए हमने इसे दानेदार पीस लिया है। तो गोश्त जो है लहसुन अदरक में अच्छी तरह भून चुका है, अब इसमें हम ये दही और प्याज जो हमने पेस्ट बनाया था ये शामिल कर देंगे। कोरमा मसाला है, ये शामिल करते हैं। और इसको भून लें। ये देखें गोश्त भून चुका है, ऑयल ऊपर आ गए हैं। ये देखें दानेदार कोरमा, ठीक है। अब हम इसको इसमें पानी डालेंगे और गोश्त गलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब हम इसको आधे पौने घंटे तक छोड़ देंगे और जब गोश गल जाएगा फिर हम आपसे मिलते हैं। जी जनाब, हम वापस आ गए हैं और ये गोश गल चुका है अच्छी तरह से। एक घंटे से ही गोश गल रहा था, इतने हमने अपने दूसरे काम निपटा लिए, किचन साफ़ कर दिया, बर्तन वगैरह सब धो लिए हैं और ये गोश अच्छी तरीके से गल गया है। लेकिन ग्रेवी वो ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको 5 मिनट तक और पकाएंगे। चलें फिर डिश आउट करते हैं, 5 मिनट और पकाएंगे फिर हम डिश आउट करेंगे। चलें फिर डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कोरमे की। चलें तो फिर आज रोटी बनाने की हम छुट्टी करते हैं और मंगाते हैं नान। माशाल्लाह, दानेदार कोरमा तैयार है। आप भी अपने घर में ट्राई करें। ये बीफ कोरमा तैयार है। अल्लाह पाक आपके और हमारे खाने में खूब बरकत अता फरमाए, हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा आप भी। अल्लाह हाफिज़।